कोर्ट बहुत गंभीर थी इस मामले में, जो देवरिया में जिसकी मीडिया में भी रिपोर्टें आई उसको लेकर के माननीय मुख्य न्यायाधीश भोसले साहब और यशवंत सिन्हा साहब की खंडपीठ बहुत गंभीर थी इस मामले को लेकर के, और बहुत स्टेट पर बहुत तल्ख टिप्पणी उन्होंने की। हम लोगों की जो PIL थी वो आज ही हम दाखिल किए और एमरजेंसी बेसिस पे आउट ऑफ बे जा करके उन्होंने तत्काल 2 बजे का टाइम फिक्स किया और उसकी सुनवाई की। स्टेट की तरफ से यह कहा गया कि इस पूरे मामले में हमने यही ढेर सारे एक्शन लिए हैं उनके खिलाफ, तो कोर्ट ने सीधा पूछा कि 2017 से क्या लाइसेंस संबंधित शेल्टर होम का रद्द कर दिया गया था। उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ रद्द कर दिया गया था, तो कोर्ट ने कहा जब रद्द कर दिया गया था तो पुलिस वालों की तरफ से लड़कियों को शेल्टर वहाँ क्यों दिया जाता था, और अगर दिया जाता था तो अभी तक पुलिस के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई, कौन से पुलिस पर्सनल्स उसमें इन्वॉल्व हैं। और खुद मुख्य न्यायाधीश ने यह आशंका जाहिर किया कि इसके पीछे सम VVIPs और पॉलिटिशियन का हाथ है, और इसकी पूरी स्टेटस रिपोर्ट उन्होंने मंडे को जब तलब किया है जिसमें उन्होंने 5 क्वेश्चन मेनली फार्मुलेट किए कि पहला ये कि अब तक उन लड़कियों की क्या स्थिति है जो रेस्क्यू की गई हैं, बाकी जो मिसिंग लड़कियां हैं उनके बारे में क्या है, अब तक जो एजेंसी जांच कर रही है वो उसकी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट क्या है, दूसरा उसमें ये था कि जो कारें आती थी जाती थी और ये पूरा संचालन कैसे हो रहा था इसके बारे में क्या स्टेटस रिपोर्ट है, तीसरा ये है कि पूरी मामले में CBI को जैसा कि पेपर में आया है घोषणा की गई है लेकिन अभी उन्हें अनुमोदन जांच के लिए प्राप्त नहीं हुआ है, तो CBI कोर्ट वकील से भी उन्होंने पूछा, CBI को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे तो उन्होंने कहा साहब अभी हमें नहीं मिला है, तो इस पर यह था।